सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई पहुंच चुकी है और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कम से कम एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अदालत ने कल सुबह तक फिर से मामला टाल दिया और कहा कल सुबह 10:30 बजे आइए, तब तय करेंगे आगे क्या होगा। माना जा रहा है कि कल सुबह 10:30 बजे अदालत ये तय कर देगी कि महाराष्ट्र विधानसभा के लिए फ्लोर टेस्ट कब होगा, कहां होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिंधिया को लेकर कांग्रेस पार्टी में और बीजेपी में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस से जुड़ी सारी बातें हटा दी और लिख दिया पब्लिक सर्वेंट क्रिकेट एंथुजियास्ट, यानी कि बाकी तमाम वो रिश्ते नाते कांग्रेस पार्टी के साथ जिनका प्रचार यहां से होता था वो गायब कर दिए गए और उसके बाद से सुगबुगाहट तेज हो गई। अचानक से ये भी पूछा जाने लगा कि सिंधिया के करीबी कांग्रेस के विधायक भी गुम है क्या, उनको भी कहीं किसी रिजॉर्ट में किसी होटल में ले जाया गया क्या, क्या उनसे भी बातचीत नहीं हो पा रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश करते करते मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हाथ से सत्ता की चाबी खिसक जाएगी। ये सवाल बड़ी तेजी से पूछा जाने लगा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रोफाइल था ट्विटर पर वो ये था जिसमें लिखा था फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुना, बाकायदे समय भी बताया गया था 2002 से 2019 तक, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पावर इंडिपेंडेंट चार्ज, एमओएस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एमओएस कम्युनिकेशन आईटी एंड पोस्ट, ये लिखा गया था पहले। लेकिन अब अचानक से उन्होंने तस्वीर बदल दी, वहां लिख दिया पब्लिक सर्वेंट। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता क्यों इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, मैंने ट्विटर पर अपना ये परिचय 1 महीने पहले बदल दिया था, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगातार फीडबैक मिल रहा था कि आपका परिचय काफी लंबा है। हालांकि इस बात को लेकर जब गुगाहट तेज हुई, बीजेपी के नेताओं से भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने भी मामले को और कंफ्यूज करने का मौका नहीं चूका। कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ रहे हैं कि नहीं, कहने को वो ये भी कह सकते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ना कहना चुना और इस मामले पर जो अटकलें चल रही हैं उनको लगातार चलते रहने का और मौका दे दिया और हवा दे दी। तो कुल मिलाकर स्थिति इस समय यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर प्रोफाइल पर अपना बायो, अपना परिचय बदला और उसके बाद अचानक से इसको लेकर सवाल उठने लगे। सब नजदीक है बीजेपी से, एक लंबे समय से चर्चा चल रही है कि बीजेपी में आ सकते हैं, ऐसा कुछ मेरी जानकारी ऐसा ऐसी भी खबरें चल रही कि मोदी से मुलाकात करेंगे कुछ देर बाद, मेरी जानकारी में सर। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, भले ही सत्ता में नहीं हो कांग्रेस पार्टी केंद्र में, लेकिन मध्य प्रदेश में खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, आप सोचिए मौसमी के ट्विटर पर अपना बायो बदलना और उसको लेकर हंगामा मच जाना। जी बिल्कुल, देखिए सत्ता में नहीं है मगर सुर्खियों में जरूर है कांग्रेस पार्टी, और कहीं ना कहीं क्योंकि सरकार के भीतर का विपक्ष का मोर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालते हैं तो वो कुछ भी थोड़ा भी कुछ आहट सी भी होती है तो ऐसा लगता है बगावत सी हो रही है, और यही वजह है कि जब उनका ट्विटर का बायो बदला बदला सा नजर आया तो लगा कि सिंधिया साहब के भी मिजाज बदल गए हैं। और हालांकि अफवाहों का बाजार गर्म था पर सिंधिया साहब ने खुद फोन करके, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि 1 महीने पहले उन्होंने अपना ये बायो बदला है, और क्योंकि काफी व्याख्या की हुई थी और फॉर्मर काफी लंबा चौड़ा था तो किसी ने उनके नोटिस में संज्ञान में ये बात डाली तो उन्होंने उसको सिंपल बनाने के लिए ये नया बायो लिखा, जिसमें पहले भी और अभी भी इनका कहना है कि कभी कांग्रेस का जिक्र नहीं हुआ। जाहिर तौर पे महाराष्ट्र का मामला रोहित गरम है और सिंधिया साहब के संबंध है महाराष्ट्र से, सियासी भी ग्वालियर से लेके महाराष्ट्र तक लगातार जो है सिलेक्शन कमेटी के भी चेयरमैन रहे हैं, यही वजह है कि सुगबुगाहट तेज थी कि कहीं बगावत महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं हो रही है। क्या वाकई इतना सिंपल है जितना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि सिंपल करने को कहा था किसी ने तो मैंने अपने परिचय को सिंपल कर दिया, कांग्रेस उसमें पहले भी नहीं लिखा था, कांग्रेस अब भी नहीं लिखा। अब रुक करते हैं महाराष्ट्र का,
जहां का राजनीतिक संकट अभी भी जस का तस है। सुप्रीम कोर्ट आज पार्टियों के लेकर सुनवाई थी शिकायत को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कल सुबह 10:30 बजे आइए, तब फैसला करते हैं आपका कि फ्लोर टेस्ट कब करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। राज्यपाल का ये दावा है कि 22 नवंबर को अजीत पवार की चिट्ठी उनको मिल गई थी। बीजेपी और अजीत पवार का जो खेमा है वो ये कह रहा है कि 145 चाहिए, हमारे पास 170 हैं। राज्यपाल ये कह रहे हैं कि इस चिट्ठी जो हमारे पास आई थी उसमें 54 एनसीपी विधायकों का समर्थन था, लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन अचानक आनन फानन में भला ऐसे कैसे हटाया जा सकता है, इसलिए तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वहां तय हो कि किसके पास बहुमत है किसके पास नहीं है। राज्यपाल कह रहे हैं कि हमें चिट्ठी मिली तो उसके बाद ही हमने बीजेपी और एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। लेकिन देखिए कुल मिला के स्थिति आई क्यों, वो यूं क्योंकि सीएम बनने का सपना जो था वो शिवसेना का पूरा बीजेपी कम से कम करने को तैयार नहीं थी। आप सबको जानकारी है कि बीजेपी शिवसेना का करीब 2.5 दशक से गठबंधन है। बीजेपी शिवसेना ये विधानसभा चुनाव लड़े भी गठबंधन के तौर पर ही थे, और उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे ये बात भी लगातार कही जाती रही थी, लेकिन नतीजा आने के बाद शिवसेना ने यह शर्त रख दी कि 2.5 साल सीएम बनाया जाए। जब वो बात बीजेपी ने नहीं मानी तो शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की तरफ चली गई, और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस इसके पहले कि राज्यपाल के पास जाकर ये बताते कि हम सरकार बनाने को तैयार हैं, क्योंकि अभी तक उनमें आपस में ही शर्तों को लेकर चर्चा चल रही थी, आनन फानन में राज्यपाल ने बीजेपी को बुलाकर देवेंद्र फडणवीस को दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिला दी, और साथ में शपथ ले ली अजीत पवार ने। देखिए आज राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कह रही। आज हमने राज्यपाल महोदय जी को खत दिया है, सारे सदस्यों का सिग्नेचर हमारे इस खत में है, और उसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो अभी सरकार बनाई गई है वो बहुमत में नहीं है, ये बहुमत सही दिखाने के लिए असमर्थ रहेगी, और जब वो असमर्थता सामने आएगी तब हमारी सारी पार्टियों ने इकट्ठा आके जो 162 MLAs का लेटर दिया है उसका सम्मान रखे हमें महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। शनिवार 23 तारीख को जब देवेंद्र फडणवीस जी ने यहाँ पर जो शपथ विधि कार्यक्रम किया है वो लोकशाही में डेमोक्रेसी में यहाँ पर जो नियमों का पालन करना चाहिए वैसा नहीं करते हुए उनके पास आवश्यक मेजॉरिटी नहीं होने के बावजूद यहाँ पर उन्होंने शपथ विधि किया है, और उससे पहले उन्होंने कहा था राज्यपाल महोदय जी को कि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हम सरकार स्थापित नहीं कर सकते। उसके बावजूद शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने हमारे पास मेजॉरिटी है, हमें सरकार बनाने के लिए कुछ समय बढ़ा के दीजिए ऐसी मांग की थी, लेकिन राज्यपाल महोदय जी ने लोकशाही में आवश्यक मेजॉरिटी का सम्मान करना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। आज महाराष्ट्र में एक नाजायज सरकार और एक नाजायज मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, ये साफ है। जैसे कि सुरजेवाला जी ने कहा कि मेरे पास मेरे हाथ में तीनों दलों के शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के 154 विधायकों के अलग अलग एफिडेविट्स है, साइंड एफिडेविट है कि हम एक साझा सरकार बनाना चाहते हैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में। तो आपको बता देते हैं हमारे साथ आरके गौड़ हैं, वरिष्ठ वकील हैं, हमारे साथ हैं फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सत्यपाल जैन, हमारे साथ अशोक सिंघल हैं मुंबई से इस समय लाइव मौजूद हैं, आशुतोष मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं विकास गुप्ता, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सत्यपाल जैन साहब, सबसे बड़ी चीज़ जो बार बार उठती है, बार बार आ रही है, वो ये कि राज्यपाल ने गलत तरीके से आनन फानन में आधी रात को बुलाकर शपथ दिलाई, इसलिए विरोध हो रहा है। ये तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर अचानक ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि रात में बुलाया सुबह शपथ दिला दी, अचानक बिना कैबिनेट बुलाए प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन वापस लेने का फैसला कर लिया गया। भाई जब पिछली शपथ आपने ली वानखेड़े स्टेडियम में हजारों लोगों के सामने, तो इस बार चुपचाप लेने की क्या जरूरत थी।
जैन साहब उसके पहले एक तस्वीर आ रही है, वो दिखा देते हैं अपने दर्शक को। ये देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें इस समय आपको दिखाई दे रही हैं। कामकाज संभाल लिया उन्होंने और कामकाज संभालने के बाद वो अपना कारोबार में लग गए, जो कि बतौर मुख्यमंत्री उनका कामकाज है। ये सुबह की तस्वीरें थी आज की। जैन साहब बोलिए, जो सवाल आपसे मैं पूछ रहा था उसका जवाब आप दे सकते हैं। के शर्मा भी आ गए हमारे साथ, बोलिए जैन साहब। हाँ, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ जी। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव 22 अक्टूबर को हुए थे और परिणाम 24 अक्टूबर को आए। राज्यपाल महोदय ने एक एक करके सभी पार्टियों को अवसर दिया कि वो आएं और अगर चाहते हैं तो सरकार बनाएं। किसी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। 9 नवंबर को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हुई, 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लग गया। आप देखिए कि 23 नवंबर तक जब श्री फडणवीस और अजीत पवार ने राज्यपाल के पास जाकर कहा कि हमारे पास बहुमत है और हम सरकार बना सकते हैं, पूरा एक महीना कोई भी मुख्यमंत्री बनने को, सरकार बनाने को तैयार नहीं था। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल का विवेक है कि उसकी निगाह में, उनकी प्राथमिक दृष्टि में जो व्यक्ति विधानसभा में बहुमत है या जो एक स्थायी सरकार बना सकता है उसको वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो जब कोई और दावा नहीं था, एक महीने का समय बीत चुका था और राज्यपाल नहीं चाहते थे कि किसी एक सेकंड के लिए भी, एक दिन के लिए भी समय से अधिक राष्ट्रपति राज वहां लागू किया जाए, तो उन्होंने अपने विवेक में, क्योंकि इनको फडणवीस जी को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया, जिन्होंने 160 के करीब विधायकों का समर्थन हासिल किया था। संविधान में और हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जहां विवेक से राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नियुक्त किया। कई बार वो फ्लोर टेस्ट में कामयाब हुए, कई बार नहीं हुए। हरियाणा में भजन लाल जी 1984 में, तब के राज्यपाल ने, उनके पास बहुमत नहीं था, उनको मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस के शायद 40 एमएलए थे, विपक्ष के 50 थे, लेकिन वो अपना बहुमत साबित कर पाए। उत्तराखंड में नहीं हो पाया, कर्नाटका में नहीं हो पाया। राज्यपाल ने पूर्णतः संविधान के अंतर्गत अपने विवेक के अधिकारों का पूरे निष्पक्ष तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई है। और देखिए दूसरी बात, अब बहुमत किसके साथ है? अजीत पवार कह रहे हैं 54 मेरे साथ हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं हमारे साथ हैं, इस पार्टी के इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। बहुमत का निर्णय अंत तो गतवा तब होगा जब शक्ति परीक्षण होगा, और शक्ति परीक्षण की तिथि, दोनों पक्ष शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। सवाल सिर्फ तिथि का है और समय का है। तो कल सुबह 10:30 बजे सर्वोच्च न्यायालय तय कर देगा कि शक्ति परीक्षण कितने बजे होगा, कैसे होगा। दूसरी बात, शक्ति परीक्षण को ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और हो गया। विधानसभा के चुनाव के बाद सबसे पहले राज्यपाल प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति करेंगे, फिर प्रो टेम स्पीकर शपथ लेकर 288 विधायकों को शपथ ग्रहण कराएंगे, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद फिर आगे शक्ति परीक्षण होगा। आप बिना शपथ ग्रहण किए कोई विधायक एंटर नहीं कर सकता, बिना प्रो टेम स्पीकर के शपथ नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आज भी प्रक्रिया आप शुरू करते हो तो इसके अंदर 3-4 दिन का 5 दिन का समय लगना संविधान के अनुसार है। जो आज 24 घंटे की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछो कि आप तो 24 दिन में भी दावा नहीं पेश कर पाए थे, आज आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हो, 24 घंटे की बात कर रहे हो, आपको तो 24 दिन मिले थे, आप क्यों नहीं गए राज्यपाल के पास? आपने क्यों नहीं कहा कि ये हमारा नेता है, हम सरकार बनाना चाहते हैं? अगर आप सुप्रीम कोर्ट आने की बजाय 22 तारीख को राज्यपाल के पास चले गए होते तो स्थिति भिन्न होती। और मैं आपको बताऊं, 22 तारीख की शाम को आदरणीय शरद पवार जी का जो बैठक के बाद बयान आया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उनके शब्द ये थे कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद पर आने पर किसी को आपत्ति नहीं है, और अगर 22 नवंबर शाम को निर्णय हो गया था तो 22 नवंबर शाम को इनको राज्यपाल के पास जाना चाहिए था, उनके पास सूची देते, तो फिर 23 नवंबर का दावा, दो दावे होते और फिर राज्यपाल निर्णय करते कि उनमें से कौन सा उचित है। ठीक है, जो भी हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है। और अब एकमात्र रास्ता, सड़कों पर प्रदर्शन नहीं है, शक्ति परीक्षण है। बोले जैन साहब, मेरा आपसे कंटेंशन ये है कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तब के आर नारायणन ने ये इंश्योर किया था कि आप मुझे ये भरोसा दिलाएं कि आपके पास सदन में बहुमत साबित करने लायक समर्थन है या समर्थन नहीं है।
और ये कंसल्टेशन का प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था, और शुरू करने के बाद जब वो आश्वस्त हुए उसके बाद ही उन्होंने अटल जी को बुलाया था, क्योंकि उसके पहले जब उनको बुलाया गया था 1996 में तो 13 दिन की सरकार बनी थी, उसके बाद सरकार गिर गई थी, और उसके बाद से ये जो के आर नारायण साहब का मॉडल था वो फॉलो किया जाता रहा। यहाँ पे सवाल ये है कि भले ही देवेंद्र फडणवीस ने वो चिट्ठी राज्यपाल महोदय को दे दी, लेकिन जो धरातल पे जो राजनीति चल रही थी जिसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ये आपस में गठबंधन की बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का नेता भी नियुक्त कर दिया है और ये लोग एक साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या ये राज्यपाल को ये वेरीफाई नहीं करना चाहिए कि जो चिट्ठी दी गई है अजीत पवार की तरफ से उसमें कितनी सत्यता है और कितनी सत्यता नहीं है, क्योंकि उसके पहले बातचीत ये हो रही थी कि गवर्नर ऑफिस ये कह रहा था कि अगर आप मुझे चिट्ठी भी देंगे तो हमें स्वीकार नहीं होगा, आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा और मैं वेरीफाई करूंगा। तो इस मामले में गवर्नर ने वेरीफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि गवर्नर का काम से नियुक्त करना नहीं है, बल्कि गवर्नर राज्य के अंदर संविधान के गार्डियन के तौर पर भी काम करते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या यहाँ गवर्नर ने जल्दबाजी नहीं की, ये देखते हुए कि सारे मीडिया में खबरें आ रही थी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ये आपस में सरकार बनाने में बात कर रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अपना लेटर चुन लिया है, अपना लीडर भी चुन लिया, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की उन्होंने? ठीक है, वेरीफाई करना चाहिए। जैन साहब जवाब दीजिए, फिर के शर्मा भी बोलना चाहते, बोलिए जैन साहब। देखिए आशुतोष जी 1996 और 98 दोनों में मैं स्वयं उस समय लोकसभा में था, आप पर बड़े प्रोमिनेंट पत्रकार तब भी थे और आज भी हैं। 96 में जब शंकर दयाल शर्मा जी ने अटल जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया, और अंततः गतवा लोकसभा में विश्वास मत पर 10 दिन की बहस होने के बाद तब उन्होंने त्यागपत्र दिया। 1998 में सभी दलों ने मिलकर उनको समर्थन दिया और प्रधानमंत्री बनाया गया। आप जो महाराष्ट्र के राज्यपाल का रोल है उसको सिर्फ 24 घंटे और रात की दृष्टि से मत देखिए, राज्यपाल 24 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर तक निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कौन बनाएगा सरकार। तो जब एक कॉम्बिनेशन आया जिसमें एक 105 विधायक दल भाजपा के नेता हैं और दूसरे 54 की एनसीपी के नेता हैं, और दोनों नेता मिलकर जब गए तो दोनों की स्ट्रेंथ 159 हो सकती है, कोई और दावा नहीं है, कोई आगे सरकार बनाने को आ नहीं रहा, जो आए हैं उनके पास बहुमत है, तो राज्यपाल ने अपने विवेक से उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया और कहा कि 10 दिन के अंदर आप अपना बहुमत साबित करिए। महाराष्ट्र की सरकार को फ्लोर टेस्ट का इंतजार, सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे तय करेगा फ्लोर टेस्ट कब, कहां, कैसे होगा। के शर्मा जी कुछ सवाल आशुतोष ने उठाए, आप जवाब देना चाह रहे थे, बोल लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आशुतोष जी ने कहा कि 22 तारीख को उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया था, किसका बयान था ये मुख्यमंत्री हमने चुन लिया है? आप उस दिन अहमद पटेल जी का बयान दिखाइए, बैठक के बाद निकलने के बाद उनने कहा कि हम कल बात करेंगे, उनका बयान आया। पवार जी ने कहा था कि पवार क्या होते हैं वहाँ, मुझे एक बात बताइए, विधायक दल के नेता अजीत पवार है वहाँ पर, आशुतोष जी मुझे बोलने दीजिए। विषय ये है कि जब वहां पर उनकी बैठक के बाद इन्होंने ये कहा कि आज हमारा कुछ हुआ नहीं, अहमद पटेल जी का बयान है उसमें कि आज हमारा कुछ नहीं हुआ, हम कल बात करेंगे, तो फिर इसके बाद आप कह रहे हैं, पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तय कर लिया जिसका कोई आधार नहीं जिस बयान का, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि किसने कहा था वहां राशन कार्ड और आधार कार्ड मांगने की, ये कहां से बयान बता रहे हैं, ये कहां, किस राज्यपाल के यहां से बयान आया है ये, आधार कार्ड और राशन कार्ड चेक करेंगे? मेरा कहने का मतलब कि इस तरह से एक चैनल में बैठकर आप ऐसी बातें कहना जिसका कोई आधार नहीं है, वहां पर विधायक दल का नेता जाता है वो जाकर अपना समर्थन वो देता है, और ये प्रक्रिया रही है, हमेशा से प्रक्रिया रही, कहां पर आधार कार्ड चेक हुए हैं? पहली बात, शरद पवार का बयान आप देख लिए, शरद पवार साफ तौर का उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री होंगे, सारे अखबारों में अगले दिन छपा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, उन्होंने कहा शर्मा जी मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे तीनों दल के नेता का प्रस्ताव दिखाइए, शर्मा जी आप मुझे बोलने दीजिए, सारे अखबारों में यह खबर छपी हुई है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे और शरद पवार ने यह बात कही स्पष्ट तौर पर। दूसरी बात, पिछले 5-10 दिनों से लगातार खबरें छप रही, बातचीत हो रही थी कि एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के बीच में बातचीत हो रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत हो रही, क्या गवर्नर इस सारे डेवलपमेंट से अनभिज्ञ रह सकते हैं?
तीसरा आप अभी गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि लगातार ये खबर छप रही थी कि गवर्नर ने कहा कि सिर्फ चिट्ठी देने से काम नहीं चलेगा बल्कि आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड के साथ आना पड़ेगा और वेरीफाई करना पड़ेगा। ये अभी गूगल करिए, आपको पता है अभी गूगल के आधार पर खबर आप बता रहे हैं। आप बैठकर कुछ भी आप मुझे एक गवर्नर शर्मा जी एक गवर्नर हाउस का बताइए, मुझे लड़ना नहीं है आपको, मैं चैलेंज कर रहा हूं आप गवर्नर हाउस का ऑर्डर दिखाइए। तो महाराष्ट्र में सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट का इंतजार। आप सबको नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और लगातार कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के चल रहे सियासी संग्राम की। महाराष्ट्र में कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी और कल की सुनवाई से पहले एनसीपी के खेमे में अब भी अजीत पवार को मनाने की कोशिश चल रही है। उन अजीत पवार को जिनको लेकर आज एनसीपी के नहीं लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि उन्होंने फ्रॉड किया है, उन्होंने फर्जी चिट्ठी दी है। अजीत पवार ने हालांकि आज डिप्टी सीएम का कार्यभार नहीं संभाला लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने आज मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार को एनसीपी यह समझाने की कोशिश कर रही है कि फ्लोर टेस्ट में हार जाओगे इसलिए हमारे साथ वापस आ जाओ। लेकिन ऐसा क्या है जो एनसीपी को मजबूर कर रहा है कि बड़े बड़े नेता जाएं अजीत पवार को मनाने की कोशिश करते रहे। छगन भुजबल को सुबह सुबह भेजा गया, लगाया गया इस काम पर कि वो अजीत पवार से फिर से बात करें, जबकि कल शाम को ही अजीत पवार ने अपने तेवर दिखा दिए थे कि वो तल्ख हैं। उन्होंने बधाइयां स्वीकार कर ली थी और लोगों से ये कहा था कि ये सरकार 5 साल पूरे करेगी, यानी कि वो अभी भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। No, nothing is decided. I am going to meet him today. But what is happening? I mean, has he convinced? Have you convinced him? No. I had a meeting with him yesterday. I think we need to sit and talk to him again. And I think probably we are hoping that we are able to convince him. You are hoping then that you are able to convince him. We will be able to. That's what I feel. And mostly he still says he is part of NCP. Right. So I don't think there should be much problem. एक तरफ कहते हैं फ्रॉड है, दूसरी तरफ कहते हैं स्टिल अ पार्ट ऑफ एनसीपी, इसलिए हम उनसे मिलने जा रहे हैं, हम उनको मनाना चाह रहे हैं। ये ही कंफ्यूजन है जो बार बार इस बात पर शक पैदा कर रहा है कि कल अगर फ्लोर टेस्ट होता है, कल अगर शक्ति परीक्षण की बात आ जाती है तो कहीं अंदर खाने कुछ खेल तो नहीं चल रहा अब भी। साहिल जोशी बताइए। अंदर खाने खेल तो चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए विधान भवन है, महाराष्ट्र का विधान भवन, और इसके अंदर खाने फिलहाल काफी बड़ा खेल चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको समझाने की कोशिश कर रहा है, अजीत पवार एनसीपी नेताओं को समझा रहे हैं या एनसीपी नेता अजीत पवार को समझा रहे हैं, क्योंकि कल एनसीपी नेता जो अजीत पवार के पास गए थे उनको अजीत पवार ही कह रहे थे कि आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप बीजेपी के साथ आ जाइए, स्थिर सरकार बनी रहेगी। लेकिन अब जो एनसीपी नेता अंदर है, छगन भुजबल है, जयंत पाटिल है और दिलीप वलसे पाटिल है, जो महाराष्ट्र के विधान परिषद के चेयरमैन है रामराजे निंबाळकर, वो एनसीपी को बिलोंग करते हैं, और उनके केबिन के भीतर ये बैठक चल रही है आज अभी तक अभी, और पिछले 3.5 घंटे से उनको मनाने की कोशिश चल रही है। हमने उनको ये भी पूछा कि क्या आपने शरद पवार से उनकी बात कराई है, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार से तो उन्होंने अभी तक बात नहीं कराई है, मैंने एक नेता से अंदर बात की जो अंदर उनके साथ बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि अभी तक तो शरद पवार से बात नहीं की है। जयंत पाटिल को मैंने ये भी पूछा कि अगर वो मान जाते हैं तो क्या जाके इस्तीफा देंगे वो उप मुख्यमंत्री पद से, तो उनका ये कहना है कि नहीं, वो तो नेक्स्ट स्टेप होगा, स्टेज 2 होगा, अभी स्टेज 1 पर काम चल रहा है। तो स्टेज 1 पर काम पिछले 4 घंटे से चल रहा है। शरद पवार 3:30 बजे तक मुंबई लौटने वाले हैं सिल्वर ओक पर, अभी वो कराड़ में गए थे। आज उनके जो राजनीतिक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक पिता है उनके यशवंतराव चव्हाण, उनको याद करने का दिन है, और इसी के वजह से सारे लोग आज विधान भवन आ रहे थे, आज सबको उनकी याद आ रही है। और वही दूसरी तरफ अजीत पवार जैसे ही यहाँ पर आए विधान भवन में, यहाँ से उनको जाना था मंत्रालय, हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से अपना पदभार संभाला आज मंत्रालय में जाकर, उसी तरीके से उनके डेप्यूटी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को भी संभालना था, लेकिन वो यहीं पर अटक गए हैं। एनसीपी के नेताओं ने उनका साथ छोड़ा ही नहीं, उनको यहां पर आकर विधान भवन में बिठाया, और उसके बाद अब चेयरमैन के जो विधान परिषद के चेयरमैन है उनके केबिन में उनकी गुफ्तगू चल रही है, उनकी बार बार ये उनकी मनाने की कोशिश है कि अजीत पवार को वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास अब विधायक है नहीं, सारे विधायक उनके होटल में बैठे हुए हैं।
लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी डर है कि उन बैठे हुए विधायकों में अजीत पवार के समर्थक विधायक भी बैठे होंगे, तो ये सब अगर एनसीपी को टालना है तो अजीत पवार को ही साथ में रखना, उनको प्रैक्टिकली उनको पता है कि यही सबसे आखिर की बात होगी, इसी से पार्टी बच पाएगी, क्योंकि अजीत पवार पिछले कई सालों से पार्टी में टिकट बांट रहे हैं, पार्टी के कई अहम फैसले में अजीत पवार का हाथ रहा है, ऐसे में अजीत पवार पार्टी से निकल जाते हैं तो आगे चलकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है, ये समझ के साथ ही ये तीन नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर ये भी नहीं माना जाता तो आखिर का फैसला शरद पवार करेंगे, लेकिन फिलहाल अजीत पवार की ये सफेद कलर की गाड़ी आप देख सकते हैं, उस दिन हमने उनके घर के बाहर भी ये गाड़ी देखी थी, अभी भी ये गाड़ी वैसे के वैसी पड़ी हुई है, उसको बस दो मिनट के दूरी पर जो मंत्रालय की इमारत है वहां जाना था, लेकिन फिलहाल विधान भवन में ही अटकी पड़ी है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो भी फैसला होगा ये विधान भवन के अंदर ही होने वाला है, लेकिन आज अभी इस वक्त एनसीपी के भीतर क्या होगा उसका फैसला भी विधान भवन के अंदर चल रहा है। रोहित साहिल देखिए पूरा अपडेट वहां से दे रहे हैं। खबर ये भी आ गई है कि आज शाम 4 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र वापस लौट आएंगे। अशोक चव्हाण कांग्रेस के नेता कह रहे हैं अजीत पवार अगर लौटते हैं तो हमें खुशी होगी, जबकि सदन में उनकी पार्टी ने जाके कहा है कि ये फर्जी आदमी है, फ्रॉड है, इन्होंने फोर्जरी की है बाहर, लेकिन अशोक चव्हाण ये कह रहे हैं कि अजीत पवार लौटते हैं तो हमें खुशी होगी। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ आ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुंबई से, वो इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सत्यपाल जैन साहब हमारे साथ हैं ही, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी ब्रेक के पहले आशुतोष और के शर्मा जी की, जाहिर सी बात है सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, गर्मा गर्मी तो है महाराष्ट्र में, विधायक होटलों में है, और देखिए वो समय जब जिसे मंदी का दौर कहा जा रहा है देश में, जिस पर रोज बड़े बड़ी चर्चाएं हो रही होती अगर ये ड्रामा नहीं चल रहा होता इस समय, वहां 300 रुपए की चाय, 1600 रुपए के अंडे और 500 रुपए के केले विधायकों को खिलाए जा रहे हैं, क्योंकि 5-स्टार होटल का रेट यही है, पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा में रहा। रवि श्रीवास्तव जी, शिवसेना के MLAs तो इंटेक्ट है ना, उनमें तो अंदर खाने कहीं कुछ ऐसी सुख बुगाहट नहीं चल रही है? रोहित जी, शिवसेना, NCP और कांग्रेस, इन सबके MLA बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक सोशल मीडिया पे जोक चल रहा है कि अजीत पवार ने 4 MLA दिखा करके 54 का पेमेंट ले लिया फडणवीस से, तो ये एक बहुत बड़ा, मैं ये आपसे बताना चाहता हूं कि आज जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि जो लिस्ट लेकर के अजीत पवार गए थे वो लिस्ट ही फ्रॉड थी, वो लिस्ट उनका समर्थन या बीजेपी को समर्थन करने की नहीं थी, मुझे ये देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है कि एक जिम्मेदार आदमी जिसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया वो एक फ्रॉडलेंट लेटर लेकर के राज्यपाल के पास जाता है, इस अपराध की क्या सजा होनी चाहिए? फडणवीस ने तो जो किया वो उनकी अपनी पार्टी का काम है, मगर जिस प्रकार से अजीत पवार ने अपनी पार्टी को, अपने लोगों को, अपने ही चाचा को। रवि जी थोड़ा माइक ठीक कराइए, आप वहां जो मौजूद होंगे हमारे सहयोगी उनसे कहिए कि आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, आपकी भावना तो समझ रहे हैं, आपका चुटकुला भी सुनाई देगा जो आपने सुनाया, थोड़ा आवाज ठीक करा लें तो और अच्छा लगेगा आपसे बात करने में। के शर्मा जी वो कह रहे हैं कि 4 दिखा के 54 का पेमेंट ले लिया, हालांकि उनकी अपनी बात में भी एक विरोधाभास है, वो सुप्रीम कोर्ट से ये इंतजार भी कर रहे हैं कि वो कार्यवाही कर दे, और दूसरी तरफ आरती की थाली लेकर उनके सहयोगी NCP के खड़े भी हैं कि अजीत पवार वापस आ जाए। आश्चर्य तो ये है कि वहाँ कोई कार्रवाई की प्रेयर ही नहीं है, अपने तो आज सुबह से पूरा पहले 4 दिखा के 54 का पेमेंट वाली बात बताइए। मैं बता रहा हूँ उनको, वो इसके अलावा बोलेंगे क्या? इस समय बोलने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन मैं दूसरी बात ही पूछ रहा हूँ, इनका आपसी कंट्रोडक्शन भी आप पूछिए ना, मैं 2-3 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ इनके आपके माध्यम से। यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला बाहर निकल के कहते हैं कि हमारे पास 154, मैं आंकड़ों पे नहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं केवल प्रश्न उठा रहा हूँ, विरोधाभास कहाँ है? वो कहते हैं 154 है, नवाब मलिक साहब उसी टाइम जो है जानकारी देते हैं कि 162 का हम समर्थन गवर्नर को दे रहे हैं। अभी तक मुझे एक चीज बताइए, किसी कांग्रेसी उससे पूछिए कि वो जो समर्थन पत्र वहां दिया है वो किसके लिए दिया है, किस बात के लिए दिया है, उसमें कोई नेता चुना गया है, क्या हुआ है? एक नंबर। दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है विधायक दल का नेता अभी तक चुना है क्या? कौन है विधायक दल का नेता कांग्रेस का? रोहित जी, इनका मैं जवाब दे देता हूँ। मैं वो 154 की जो लिस्ट दी है ना आशुतोष जी, वो कल सुप्रीम कोर्ट में दी, 162 जब और वापस आ गए भाई, जिस आप ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट में उतने ही दोगे ना जितने आपके पास आए, और उस रातों रात में जितने और वापस आए, 162 की लिस्ट गई सिग्नेचर के साथ गवर्नर के पास टू स्टेट क्लेम फॉर द गवर्नमेंट।
तो जो जिस तरह से अगर उनके और दो आ जाएंगे तो 164 हो जाएंगे और अजीत पवार भी आने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे तो संख्या और भी बढ़ जाएगी। मेरा एक प्रश्न है सीधा सा, ये संख्या और भी बढ़ जाएगी 154। कल जब अभिषेक मनु सिंघवी ने, आपने दिखाया है, आपके यहाँ की रिपोर्टिंग है, अभिषेक मनु सिंघवी स्वयं जो बात का जिक्र वहाँ पर किए अपने बहस में, उसमें एनसीपी के 41 विधायकों की बात की उन्होंने, तो उसके बाद बढ़ गए ना शर्मा जी, बढ़ गए तो उसके बाद बढ़ गए ना, जो कागज आप गवर्नर को 10 बजे सुनवाई से पहले जो कागज आप गवर्नर को सबमिट कर रहे हैं वो कागज आप कोर्ट में नहीं रख पा रहे हैं। नहीं कोर्ट में क्या कर रहे हैं आपने संडे का वो लिस्ट दी है, मैं नहीं, आप सब आप भकाइए मत, आप गलत, आप ये आज ही दी आपका गलत गलत हो रहा है, बताऊं आपका गलत गलत हो रहा है। तुषार मेहता जी ने, ये न्यूज में ही है, तुषार मेहता जी ने उस कागज को देखते हुए कहा भी कि इसमें पूरे लोगों के साइन नहीं है। इसी पर अभिषेक मनु सिंघवी जी का बयान है कि नहीं आप इस पर छोड़िए, आप तो फ्लोर टेस्ट कराइए भले हम हार जाएं, ये लाइन है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब नहीं उन्होंने विरोधाभास नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हमें फिर से डेट देनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा आप नहीं, वी आर लिमिटिंग आवर आर्गुमेंट ओनली ऑन द फिक्सिंग ऑफ डेट फॉर फ्लोर टेस्ट। शर्मा जी उसमें तो और भी जोर लगा, उन्होंने कहा कि हमें अपने किसी कलीग के लिए आगे पूछना तो हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। आपके पास 54 विधायकों की लिस्ट है, कितने विधायक आज की तारीख में अजीत पवार के साथ? हम तो सदन पे आएंगे वहाँ बता देंगे आपको कितने, अभी बता दीजिए सदन में, अभी क्या बताएंगे आप ऐसे कहोगे आपको तैरना आता है तो तालाब में कूद जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे आपको सदन में मत कूदिए, चलिए दो है दोस्त जी, आप मुझे ये मत समझाइए, आप मुझे केवल ये बताइए जिस दिन सदन पर आप बहुमत की बात आएगी हम जो है वहाँ अपना देंगे, 54 है ना आपके साथ, हम वहाँ पर अपना बहुमत साबित करेंगे, हमने आपको ये बता दिया आपके साथ लीजिए रोहित जी, बस हमने आप पहले नेता कह रहा है, मैं कह रहा हूँ 54 विधायक आपके साथ है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मान लीजिए 54 आपके साथ नहीं, हम आपकी बात पर हम हाँ नहीं क्यों करने जा रहे हैं, हम तो आपको सदन के अंदर की बहुमत की बात हमने की है जो हमको प्रक्रिया के तहत करनी है वो करके दिखाई, गवर्नर दो हफ्ते का टाइम आपको हमने करके वो दिखाया, अगर आपके पास पूरे 170 है तो फिर आप फ्लोर टेस्ट से क्यों घबरा रहे हैं? हम कहाँ घबरा रहे हैं सर, कल फ्लोर टेस्ट नहीं आपके कहने से करना है जो तो गवर्नर को तय करना है, या अभी मामला कोर्ट में है आपके हटाओ, उसने क्या होना है फर्क पड़ना है भाई, आपके पास होता आपके पास होता तो आप जाके समर्थन के लिए ना होता, आजकल मोबाइल फोन में एक नया एप्लीकेशन आने लगा है वो आप डाउनलोड कर ले तो वो आपको बता देता है कि ध्वनि का जो स्तर है वो कब इतना ज्यादा हो गया कि वो आपको नुकसान पहुंचाने लग सकता है, तो अकेले मुझे नहीं आपको नहीं दर्शकों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो मुझे लगता है कि दर्शकों की अपनी सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए बात करना चाहिए। सत्यपाल जैन साहब मैं एक आपसे चीज पूछना चाहता हूं जो आशुतोष जी ने कही पहले, क्या ये उदाहरण है, क्या ये मुमकिन है या कहीं लिखा गया है कि राज्यपाल को जब आप चिट्ठी दें जाकर कि हमारे पास 150, 200, 170, 160 जितने भी विधायक हैं तो राज्यपाल ये कहे कि जाओ सबका आधार कार्ड लेके आओ, इनको वेरीफाई कराओ, उसके बाद मैं मानूंगा कि तुम्हारे पास समर्थन है वरना मैं सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाऊंगा। देखिए संविधान में, कानून में, जजमेंट में, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के जजमेंट में, कहीं संविधान में, बिजनेस रूल्स में, मेरी जानकारी में नहीं है कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि विधायकों से उनका आधार कार्ड राशन कार्ड मांगा जाएगा। आर्टिकल 164 संविधान का राज्यपाल को ये विवेक देता है कि वो अपने विवेक में किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है वो तय करे। सर्वोच्च न्यायालय की जो जजमेंट्स हैं उसमें ये भी कहा गया है कि बहुमत साबित करने का स्थान राजभवन नहीं है, गवर्नर के सामने परेड करने से बहुमत साबित नहीं होता, राज्यपाल अपने विवेक में जिसको मुख्यमंत्री तय करते हैं उसका बहुमत विधानसभा के पटल पर होगा। और इस केस में राज्यपाल के पास 23 नवंबर को, जैसा मैंने पहले भी कहा, सिर्फ फडणवीस जी और अजीत पवार के दावे के अलावा कोई और दावा पूरे एक महीने से नहीं था। उन्होंने विवेक में उचित समझा कि भाई अब कम से कम कोई तो सरकार बनाने आ रहा है, एक महीने से सरकार ही कोई नहीं बना रहा था, सरकार बना दी। अब सवाल है, एक ही मात्र रास्ता इस सिचुएशन का है, फ्लोर टेस्ट। और फ्लोर टेस्ट के लिए सुबह 10:30 बजे सर्वोच्च न्यायालय तिथि और समय तय कर देगा। और देखिए दूसरी बात, अब राज्यपाल के विवेक पर तो अब प्रश्न आशुतोष जी भी उठा रहे थे, 54 विधायकों के बारे में कल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा 41 हमारे साथ हैं, किसी ने कहा 54 हमारे साथ हैं, किसी ने कहा 4 उनके साथ हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक भी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है
कि एनसीपी के साथ कितने हैं, और जो दावा 54 का किया गया था, किसी ने नहीं कहा कि अजीत पवार ने जो दावा दिया था 54 हस्ताक्षरों का, वो दस्तखत जाली थे या फर्जी थे या वो सही नहीं थे, किसी ने नहीं कहा। अभी प्रश्न ये है कि कितने विधायक उनके साथ हैं, कितने उनके विरोध में हैं, और निर्णय अंत तो गवा तब होगा जब सक्रिय परीक्षण में वोटिंग होगी। आपने देखा है कर्नाटका में, हरियाणा में, बहुत जगह कई बार एक पार्टी के लोग क्रॉस वोट करके दूसरी तरफ वोट डालते हैं, कई बार दूसरी के एक तरफ वोट डालते हैं। जो शक्ति परीक्षण का परिणाम होगा उसके अनुसार सरकार बहुमत में मानी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि अब बाकी सारी बातें अर्थहीन हो जाती हैं। सुबह 10:30 का इंतजार करें, सड़कों पर प्रदर्शन करने से, नारे लगाने से, पुतले फूंकने से कुछ होने वाला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय तिथि तय करेगा, शक्ति परीक्षण होगा, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास आशुतोष जी। तब तक गूगल करके तलाश रहे हैं जहाँ ये खबर है कि भाई शिवसेना ने अपने MLAs को कहा था कि चलिए अपने आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलिए, खैर इन्हीं का पुराना चैनल जहाँ काम करते थे News 18, वहां से इन्होंने निकाला कि शिवसेना ने अपने MLAs को कहा कि अपने ऑफिशियल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लेकर चले गवर्नर के पास पेश। अब ये गवर्नर ने मांगे या शिवसेना ने खुद ये कहा, इसको लेकर अभी शक है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं आशुतोष जी वो ये है कि क्या गवर्नर ये कहता है या कह सकता है कि भाई अपने दस्तावेज लेके आओ पहचान के, और उससे ये तय करेंगे कि तुम विधायक हो या नहीं हो। उसमें दो चीजें, पहली बात ये कि गवर्नर को पहले बात ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लेटर ऑफ सपोर्ट उनके पास है वो ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अब ये बात बिल्कुल साबित हो रही है कि एनसीपी कुछ एनसीपी कह रही है कि बिल्कुल गलत बात है। आपको पलटिए, मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है कि शिवसेना ने ऐसा कहा था, इसकी न्यूज चली थी आपके यहाँ कि आप अपना लेके आइए, लोगों ने कहा क्यों मंगा रहे हो आप, ये भी प्रश्न उन्होंने पूछा था कि आप क्यों मंगाना चाह रहे हो इसको। लेकिन ये बात कहना और उसके बाद आप कहना, अब आप आशुतोष जी विवेक सिखाएं उनको अलग बात है, गवर्नर को कि उनको ऐसा करना चाहिए। तो आप लोग सिखाते हो, नहीं नहीं ये तो आपका तरीका है, ये तो आप अभी अपने बयान में कह रहे हो कि गवर्नर को ऐसा करना चाहिए था। मतलब जैसा अभिषेक जी वहाँ दे रहे थे कि आपको ये निर्णय करना चाहिए, वैसे ही आप बता रहे हैं कि गवर्नर को ऐसा करना चाहिए। अच्छा है, नहीं मुझे लगता है ये प्रेरोगेटिव तो आप लोगों का है कि गवर्नर को क्या करो, कर्नाटक में आप कुछ और कहते हो, आपने अभी कुछ और कहते हो, बड़ी खबर कुछ और कहते हो, खराब काम करते हुए एक बड़ी खबर दे देते हैं। एक सेकेंड, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा आपको उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह का भी एक बयान आया है, इसके अलावा राज्यपाल को जो पत्र सौंपा गया है उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के हस्ताक्षर किए गए हैं। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों ने राज्यपाल को खत सौंप दिया है जिसमें मुख्यमंत्री का नाम नहीं है, जिसको लेकर पूरा झगड़ा चल रहा है, जिसको लेकर शरद पवार ने कह दिया था कि मुख्यमंत्री होंगे उद्धव ठाकरे, इसको लेकर एक सहमति बन रही है, लेकिन वो नाम उस चिट्ठी के अंदर नहीं लिखा गया जो राज्यपाल को सौंपी गई है, और कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता हैं उनका हस्ताक्षर नहीं है, कांग्रेस अध्यक्ष का उस पर हस्ताक्षर है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी और जानकारी देने, बताइए हिमांशु। देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरीके से एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से आज गवर्नर के ऑफिस में एक लेटर दिया गया कि तीनों मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं शिवसेना के नेतृत्व में, लेकिन इस पत्र के अंदर भी जो है वो ये क्लियर नहीं किया गया कि किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं है, भले ही उद्धव ठाकरे के नाम को लेकर सहमति बन चुकी है, लेकिन जो पत्र आज गवर्नर के ऑफिस में दिया गया है उसमें भी ये क्लैरिटी नहीं है कि किसकी लीडरशिप में तीनों दल मिलकर सरकार बनाएंगे। तो इसी का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और वो बताना चाहती है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के विधायकों को कि देखिए अभी तक लीडरशिप को लेकर जो है वो क्लैरिटी नहीं है, और इसका फायदा जरूर बीजेपी उठाएगी। और जिस तरीके से अजीत पवार को लेकर कॉन्फिडेंस है बीजेपी को कि वो एनसीपी के अंदर केंद्र लगा लेंगे और जितने विधायकों की उनको जरूरत है मैजिक नंबर, इससे फर्क पड़ता है क्या हिमांशु, इससे फर्क पड़ता है क्या कि चिट्ठी में मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र नहीं है, पहली बात, और दूसरा सीएलपी लीडर के हस्ताक्षर ना होके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के हस्ताक्षर है। इससे देखिए बिल्कुल फर्क पड़ता है क्योंकि लीडर किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी ये नाम जाता है, हम तीनों एक साथ आके सरकार बना रहे हैं ये कोई महत्व नहीं होता, आपको बताना पड़ता है कि हमारा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ये है, हम तीनों इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ी चीज है और
किसी तरीके के जो छोटी छोटी लीगल पहलू है उनको कानूनी पेचीदगी है उनको लेकर बीजेपी को लगता है कि वो इसका फायदा उनको फ्लोर पे मिलेगा। और जिस तरीके से कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है इन्हीं सब चीजों को इश्यू बनाकर जो है वो काफी लंबे समय तक के लिए जो है वो फ्लोर पे बहुमत। चलिए शुक्रिया हिमांशु। बोले आशुतोष जी, इसमें संवैधानिक स्थिति ये है कि जो हमारा संविधान है उस संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है। संविधान ये कहता है कि जब संसद बैठेगी या विधानसभा बैठेगी तो वो लीडर ऑफ द हाउस चुनेगी, तो लीडर ऑफ द हाउस आप विधानसभा के बाहर नहीं चुन सकते हैं। तो जब विधानसभा बैठेगी क्या क्या हुआ ये खरा है। देखिए मैंने सुबह जो है अजीत दादा पवार की जो है भेंट ली, उसके बाद में जो है हम लोग बातचीत करते हैं और अजीत जयंत पाटिल जो हमारे प्रांताध्यक्ष है वो भी आए, दिलीप वलसे पाटिल वो भी आए। हमने जो है बहुत समय तक जो है विचार विमर्श किया है, कुछ सारे जो है उसमें जो कुछ रास्ता निकलता है क्या उसके बारे में जो है कोशिश जारी है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि सकारात्मक रीति से कुछ ना कुछ उसमें जो रास्ता निकले इसलिए इसलिए कोशिश जारी है। देखिए मैंने जो जब पवार साहब के पास जो पवार साहबांकडे गेलो त्यावर आम्ही त्यांची परवानगी घेतलेली नाही, चांगल्या कामासाठी त्यांची परवानगी घ्यावी असं मला वाटलं। देखिए वो सारे बातें जो है माफ करना मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, अभी जो है किसी जो है अंतिम बिंदु की तरफ कोई भी पहुंचा नहीं है मगर कोशिश जारी है। अजीत पवार चार्ज ले रहे हैं सर, अजीत पवार चार्ज यहाँ से चार्ज लेने गए हैं, डीसीएम का चार्ज ले रहे हैं मंत्रालय में, अजीत पवार चार्ज ले रहे हैं क्या डीसीएम का, डीसीएम के पोस्ट का चार्ज ले रहे हैं क्योंकि चार्ज लेने के लिए हमको नहीं मालूम वो बीजेपी किसी भी हालत में एनसीपी किसी भी हालत में बीजेपी को समर्थन देगी कि नहीं देगी, नहीं देगी किसी भी हालत में या देगी। अरे भाई मैंने कहा जी हम पहले से जो है शिवसेना के साथ बैठे हैं, कांग्रेस के साथ बैठे हैं क्या ये जो है अब पवार को मनाने की कोशिश है, हमारी कोशिश जारी है समझ लो ऐसा लग रहा है। कुठून येते की आधीच ठरलं होतं भाजपा बरोबर आपल्याला पाठिंबा द्यायचा आहे असं ठरलं होतं असं कुठेतरी बातमी मुझे नहीं मालूम है। सर एक दुसरा सवाल ये उठता है, कि अगर अजीत पवार एक ही है अकेले पड़ गए हैं तो क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तिब्बत विधायक आपके साथ ऐसा क्यों फैसला नहीं हो रहा है। आपकी सूचना जो है मैं हमारे जो अध्यक्ष के कान पर डालूंगा जो